अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम् सनातनः अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम् सनातनः अर्थात ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है इसे ना तो जराया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि आत्मा को किसी भी शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता और भगवान इसी बात को दोहरा रहे हैं कि ये आत्मा अखंडित है अखंडित है यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने कई बच्चे पैदा किए तो उसकी आत्मा कई बच्चों के रूप में अनेकानेक आत्माएं बन गई। आत्मा का जो अस्तित्व है वो अक्षुण है वो जैसा था वैसा है वैसा ही रहेगा सदा। पहली बात। दूसरी बात अघुलनशील है मतलब किसी भी चीज में घोला नहीं जा सकता आत्मा को। जैसे यहाँ बड़ी सुंदर बात है कि अगर काटने की बात आती है तो कोई आदमी ये सोच सकता है कि ठीक है आत्मा को तलवार से नहीं काटा जा सकता तो ऐसा है मैं कुछ ऐसा मशीन बना लूंगा कि मशीन से मैं आत्मा को काट दिखाऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि सोचना छोड़ दीजिए ऐसी बात क्योंकि आत्मा कभी काटी नहीं जा सकती है चाहे आप कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें हाईटेक आप तलवार बना लें काटने की सुविधा से संपन्न हो काट ही नहीं सकते आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी आपकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। और इसी प्रकार से अगर आप सोचें कि ठीक है आत्मा को हम पानी में नहीं घोल सकते लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं बड़े बड़े द्रव हैं और भी तरल पदार्थ हैं जिसमें आत्मा को घोला जा सकता है कई चीजें हैं जिसे आप पानी में डुबो के रखें तो वो घुलती नहीं है लेकिन अगर आप उन्हें तेजाब में डुबो दें या किसी इसी प्रकार से किसी अन्य रसायन में आप डुबो दें तो उस चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है वो चीज खत्म हो जाती है मिट जाती है। तो आप सोचें कि हाँ चलो आत्मा को अगर हम तेजाब में या ऐसे ही किसी रासायनिक घोल में डुबो दें तो आत्मा खत्म हो जाएगी। तो भगवान ने बता दिया है कि किसी भी विधि से इसे नहीं घोला जा सकता। पानी तो छोड़ दीजिए आप दुनिया का कोई भी रासायनिक अपना प्रिपरेशन ले आइए कोई भी केमिकल प्रिपरेशन कोई भी अपनी रसायन से बनी हुई बड़ी बड़ी तैयारियों के साथ आप आ जाइए लेकिन आप देखेंगे कि आत्मा किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से घोली नहीं जा सकती डुबोई नहीं जा सकती भीग नहीं सकती तो घुलेगी क्या। और इसी प्रकार से भगवान यहाँ बताते हैं कि किसी विधि से भी आप सुखा नहीं सकते। आप सोचे कि ठीक है एक ऐसे बड़ी से एक चैम्बर बनाते हैं और उसके अंदर खूब सारी गर्मी पैदा कर देते हैं जो आग भी नहीं है लेकिन ऐसी गर्मी है कि वो एकदम कोई भी चीज आप उसमें डालेंगे झट से सूख जाएगी तो आत्मा भी सूख जाएगी। लेकिन भगवान बताते हैं कि आप अपनी बुद्धि के घोड़े कितने भी दौड़ा लीजिए आत्मा को आप सुखा भी नहीं सकते। इतना सुंदर अस्तित्व है आत्मा का। तो जैसे भगवान अव्यय है आत्मा भी अव्यय है। भगवान जैसे आप भगवान के खंड खंड नहीं कर सकते भगवान स्वयं का विस्तार करते हैं अपने मन से लेकिन तो भी प्रत्येक विस्तार अपने में पूर्ण होता है और भगवान जिनसे कि विस्तार होता है वो भी पूर्ण है। इसी प्रकार से आत्मा भी पूर्ण है क्योंकि वो पूर्ण का परम पूर्ण का अंश है। तो भगवान बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है। एक बार फिर से भगवान कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है सर्वव्यापी है सर्वव्यापी है क्योंकि श्लोक में एक शब्द आया है सर्वगत। सर्वगत मतलब कि जो हर जगह पाई जाए हर जगह सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का अर्थ यह है कि इस भूमि का जर्रा जर्रा हर जगह आत्मा है और ये भूमि छोड़िए प्रत्येक ब्रह्मांड के हर भाग में हर लोक में जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं और आपकी कल्पना के भी परे आत्माओं का निवास है भले ही आप उन्हें देख नहीं पाते हो ये आपकी नजरों का दोष है
लेकिन आत्माएं सर्वगत है, सर्वव्यापी है। और भगवान कहते हैं कि अविकारी है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता, ये हमारे अपने संस्कारों का विकार है। मगर आत्मा की जो दिव्य प्रकृति है वो ये कि वो सच्चिदानंदमय है और स्थिर है और सदैव एक सी रहने वाली है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन शरीर में आते हैं, आत्मा में नहीं।